आपका स्वागत है। मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे देखो, इट्स 9:15। आज दिखाता हूँ मैं आपको, 9:15 हो रहे एंड हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं और कॉलेज में बहुत सा दंगा चल रहा है। इधर देखो ये बंदे दंगे कर रहे हैं, ये लड़की दंगा कर रही है, इधर ये लोग दंगा कर रहे हैं, सब दंगा ही दंगा हो रहा है। अभी अपने शेर आए थे, शेर लोग को मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ऊपर से हाथ दिखा रहे हैं, इधर भीड़ू इधर आओ करके हाथ दिखा रहे, तो उधर जाके आऊँगा अभी। और इधर देख के मेरी तरफ कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, बात क्या कर रहा है बंदा, जाने तो भाड़ में जाए वो लोग, हम लोग जाते चलो। कापा है हमारे साथ, कैसे मुस्कुरा रहे देखो, मुस्कुराहट का राज क्या है आपके, कुछ नहीं तो ऐसे कैसे मुस्कुरा रहे हो। क्या वो पता है मुस्कुराने की 2 वजह होती है, एक तो इंसान पागल होता है और दूसरी कुछ या तो किसी और के प्यार में पागल होता है, ये 2 ही वजह होती है। तेरा कोई सा वजह है? दूसरा समझ गए आप लोग। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, चांद कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, चांद नाम का जिराफ है, चांद नाम का जिराफ। और ये बंदा कल रात 3:44 को मैसेज किया उसके फ्रेंड को, मेरे को है ना एक, क्या बोला, सही बोला ना, 3 बजे रात को क्या कर रहा था फिर ये, वही मैं सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सारे विचारों में क्या अपना है ना विषय वैसे ही रह रहा है, आधा विषय विषय अलग सीट पे जा रहा है अपना विषय की तरह, और मूड खराब खिलावाई में था। तूने कल बाल धोए क्या, नहाया क्या तू, बाल छोड़ आज भी धोए, नहाया है क्या तू? आज के ब्लॉग में देख ले बंदे क्या हुआ है तेरे साथ, अपने बालों में मारते हुए ब्लॉग में आया हो? नहीं दिखाया, सेंट मारता ना मुझे, बाल जर कैसे खराब झाले सर, कुठे झाले का बालों की सेंट मारने की वजह से एक बार बाल खराब हो रहे हैं। अल्कोहोल से थोड़ी बाल खराब होते हैं, अल्कोहोल से बाल नहीं खराब, साला अल्कोहोल असतो त्याच्यामध्ये, दुसरा पण काय काय, कोणचा अल्कोहोल, पागल आहे करे, बाल कोणसा अच्छा है मैगी एक्स का बाल वेट हो गया रे का बाल, देख तो बालों को हाथ लगाओ वो तभी ले लेंगे वो बेचारा भी। खरं तुम्ही सेंट मारला? नहीं भाई, नहीं मारा हमने, तन में मारा नहीं, हम लोग बहुत शरीफ इंसान हैं, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। इसके बाल वेल में हम लोग ने सेंट मारा, ऐसे हमको लग रहा था पर नहीं मारा हम लोग ने, मजाक कर रहे थे। हाँ भाई ये क्या सीरियस में ले लेता है हर बार, सेंट बालों में कौन मार, हाँ तो ब्लैक वाला भेटत ना, ब्लैक वाला कौन सा, क्या ब्लैक वाला, ब्लैक क्या गुम हो गया तेरा ब्लैक वाला, क्या हो रहा है तेरे ऐसे आदमी बहुत देखे मैंने, खुद के जो इतना हंसते ऑडियंस हंस रही है, सामने वाला कोई नहीं हंस रहा, सब हंस रहे, सब लोग हंस रहे। ये किया जा रहा है कि मेरा जोक सबसे फनी होना चाहिए, हम लोग इसे जूम करके डालेंगे, मालूम मैंने वो जोक अगर जूम करके डाला तो सामने वालों को भी लगता है कि मीम मटेरियल। और ये एडिटर का भी एक साजिश है भाई, भाई लोग हम लोग गाँव जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं गाँव, क्या हुआ मैं भी निकल रहा गाँव, क्यों मैं भी ये लेक्चर अटेंड करूँगा भाई, ये लेक्चर कुछ अटेंड नहीं, अभी मैं बोले उनको कि मेरा रिवाइव का मीटिंग है उधर बोलेगा शाम तक में आएगा वापस, तो साइन आउट करेगा, नहीं तो इधर जा रहे गाँव को जा रहे थे, सच में जा रहे हैं। और शाम को कैसा आएगा उन लोगों को, तो मैं बोलेगा कि मीटिंग है, हाँ। क्यों जा रहे हैं, अरे कल शादी है, बोला सबके मिल के भी आते फैमिली मेम्बर को, इसलिए गाँव निकल रहा हूँ। कौन सी शादी, तेरी शादी है कल? अरे मेरी शादी नहीं है पागल, इतना नसीब नहीं है अपना, अच्छा तो किधर है तेरा कच्चा है, अलीबाग नहीं है मेरा गाँव। अच्छा चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अपने को जाने का टाइम आ गया, निकलने का टाइम आ रहा है, अभी सब लोग घाई गड़बड़ में, मैं भी है। एक बाल मैंने ऐसे सेट किया है कि हमारे बाल में धूल ना जाए। ऐसे होता भी है या नहीं होता मालूम नहीं, चलो निकलते हैं। बट क्योंकि नीचे गाड़ी रुकी हुई है एंड इट्स टाइम, अभी बज चुके हैं 12:52, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और हम लोग यहाँ से निकलते हुए। थोड़ा पानी पीता हूँ क्योंकि अपनी गाड़ी रेडी है बट बहुत ज़्यादा सामान है, बस 3 जन को बैठने के लिए जगह है। एक हूँ मैं और मम्मी और पापा, 2 जन के लिए जगह बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हमारे गांव जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। हम लोग निकल के यहाँ पे गाड़ी से, मैं बैठा हूँ पीछे के सीट पे और यहाँ पर अभी पहाड़ वगैरह दिखने को चालू हो गए। ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है जो है NH 66 नेशनल हाईवे गोवा और मुंबई को जोड़ने वाला। अभी धूल बहुत उड़ रही है, इसकी वजह से खिड़की वगैरह बंद करने वाला हूँ मैं। अभी रुके हैं गैस स्टेशन पे गैस भरने, CNG भरने के लिए रुके हैं। CNG भरते और यहाँ से निकलते। मस्त हवाएं छूटी है, देखो जुल्फे उड़ रहे हैं हमारे जुल्फे। ये अभी आप आओगे ना इधर ये कोकन में तो इतना आपको ग्रीनरी नहीं दिख रहा है। देखो अभी भी दिख रहा है वैसे तो ग्रीनरी, बट जैसे आप रेनी सीज़न के टाइम आओगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा देखने को होता है। अभी तो क्या विंटर सीज़न है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से चल। अभी यहाँ से घाट का इलाका चालू हो जाता है। एक्चुअली ये फेमस घाट बोल सकते हैं, आपको मालूम रहेगा तो इस कशेड़ी घाट बोलते हैं इसको। कशेड़ी घाट का इलाका चालू हो जाता है। ये घाट का इलाका बहुत डेंजरस माना जाता है, बट यहाँ पर एक टनल चालू हो गया, बट अभी वो चालू किया या नहीं चालू किया अभी देखो देखना पड़ेगा। नहीं तो अभी हमने वो खड़े थे वहाँ पर, मैंने पूछा कि जा सकते क्या, तो उन्होंने बोला कि अभी स्टार्ट हुआ है। हम लोग जस्ट आए थे और वहाँ से टनल का शुरुआत हुई थी। देखो एकदम मस्त वाला जगह बना, ये जो ऊपर टावर दिख रहा है आपको, टावर पे वहाँ तक रास्ता था, ऊपर घाट जाता था, बट अभी नीचे से जाने को अपने को चांस है। अभी टनल चालू हो जाता है, ये देखो आगे दिख रहा है। इन लोगों ने टनल 2 टनल बना, एक साइड में दिख रहा है देखो आपको लेफ्ट साइड में, वो अब तक चालू नहीं हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन चालू, और एक साइड का टनल चालू हो गया। वैसे तो बहुत अच्छा टनल, बट इधर बहुत धूल है, देखो ये पूरा धूल है ना मेरे बालों में गया एंड ऐसे ही जाता गया। अभी अंदर जा रहे हैं। ये टनल एक्चुअली है कुछ 7-8 किलोमीटर का, बट आपको लगेगा बस 7-7.5 मिनट निकलने को लग जाते, 7-7.5 मिनट में तो हम लोग निकल ही गए थे। अभी तक ये कंस्ट्रक्शन अब तक बाकी है। देखो ये देखो लोग ऐसे कपड़ा वगैरह मार के साफ कैसे कर लेते मालूम नहीं। अभी चल रहा है एक्चुअली स्पीड लिमिट पे अपने को रखने के लिए पूरा 30-40 के, इसकी वजह से 7-7.5 मिनट लग जाते, बट फटाक से आप निकल सकते हैं ऐसे जगह। और ये साइड में देखोगे एक टनल है, वो एक बाईपास है जो दूसरे टनल को ज्वाइन करते हैं। और ये जो ऊपर लगे हुए देखो 2 फैंस आपको दिख रहे हैं, वो अभी एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करने वाले। सीधा ऊपर के ऊपर भी ड्रिल किया है। आपने अगर देखा होगा वो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे दिखाते हैं वो लोग कि टनल के टाइम जैसे बनाया जाता है। ये ऊपर आप दिख रहे हैं ना जो हैंगिंग कर रहे हैं, ये प्लास्टर करते समय भी अंदर ड्रिल मारा जाता है और ऐसे किया जाता है। अभी निकल ही रहे बाहर, बहुत ज़्यादा लंबा टनल अभी मेरे को लग रहा है ये। अभी चलाते जाओ गाड़ी। अभी तो इवेंचुअली हम लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड सेकेंड बार गैस पे सेकेंड टाइम CNG की गाड़ी का यही है कि आपको गैस भरना पड़ता है क्योंकि वो ख़त्म होता है बार बार, प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। ये रहा CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। अरे टच भी नहीं हो रहा, धूल लगी है हाथ को, पूरी धूल दिखाता मैं आपको। हाथ बालों की परिस्थिति बहुत बेकार है बेड़ो। चलो मस आ ही गया। लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, आ चुके हैं। वैसे तो शाम के 7 बज रहे शायद से, एग्जैक्टली 7-8, मतलब 1 घंटा के ऊपर, 1 नहीं 7 घंटे के ऊपर ही लग गया शायद से। शांति है यहाँ पर और चाँद दिखाता हूँ मैं आपको। इधर आने के बाद अलग पीस है, इसलिए गाँव भाग के आए कॉलेज छोड़ के। अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते, चाय वगैरह लेते। बहुत ज़्यादा शांति है कि मेरा आवाज़ ज़्यादा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, ओहो ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ता मैं। गांव आने के बाद भटकने का काम चल रहा है। इतना शांति है, देखो उधर हमारा मेरा ही आवाज़ है। सत्यम सेठ है हमारे साथ कितने महीनों के बाद। और ये चाँद भी देखो ऊपर, सब अभी नीचे दिख नहीं रहा है मेरे को, टॉर्च ऑन करना पड़ेगा। अपना अपना खाना पीना तो अभी हो गया, आराम करने का टाइम चलने वाला है भाई, आराम करने का टाइम चलने वाला है। हाँ, भी ये बंदे को नहीं दिखाऊंगा, इसने भी टी शर्ट पहना क्षितिज की तरह बहुत बड़ा, इतना फेमस टी शर्ट पहना है तो कॉपीराइट भी करे आ जाएगा मेरे वीडियो पे, इसलिए नहीं दिखाऊंगा। बट एक कांड हो गया कॉलेज वालों के साथ, मतलब कॉलेज वालों ने किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। अभी मेरा डिसाइड हो रहा है करने का कांड, तो अभी सोच रहे वो क्या कांड है वो मैं कल बताऊँगा, क्योंकि आज अभी तो नहीं बता सकता कि बहुत टाइम हो गया। अभी टाइम देखो कितना हुआ है, खुला सिम सिम, इट्स 21:42, मतलब ऑलमोस्ट 10 का टाइम हो रहा है। तो 10 का टाइम हो रहा है तो अपने को एडिट भी करने का, एडिट वर्क करके सो भी जाने का है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलेंगे कल डायरेक्ट सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।